ये कोई चीज नहीं, हम तो इसके मुंतजिर थे कैसा होगा, इसलिए कि जब तबलीगी जमात का मौजू बासी हो जाएगा तो फिर एक दूसरा मौजू मीडिया को चाहिए। वो मौजू तैयार है मुसलमान की गर्दन को काटने के लिए और उसको मुत्तहम बनाने के लिए। तबलीग का मौजू पहले आए, सबसे पहले तो वो चला जो मुजाहरे का मौजू था NPR वगैरह के सिलसिले के अंदर। जब वो बासी हो गया और वो ख़त्म हो गया तो तबलीगी जमात का मौजू मिल गया। अब तबलीगी जमात का मौजू जा रहा है तो अब ये मदारिस इस्लामिया का मौजू मिल गया। हम तो इसके मुंतजिर थे। जो लोग कह रहे हैं, मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन नहीं चल सकता। जिस TV चैनल ने कहा है उसके ऊपर कदगन लगा लें, उसके लाइसेंस को ले लें, जो कर रहा है उसको गिरफ्तार करके जेल में। देखिए, चुटकी बजाते बजाते अभी बंद हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और हमें नहीं लगता कि आज भी करेगी। वो जब नहीं करेगी तो 10-15 दिन के बाद फिर किसी सियासी आदमी का ये कह देना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मगर मच्छ के आंसू हैं जो बहाए जा रहे हैं, इसका कोई नतीजा नहीं है। हम तो ये समझते थे कि ये होगा, ये हो रहा है, होता रहेगा। हर वीडियो की अपडेट के लिए इशात अल इस्लाम केराना YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।